लोकसभा चुनाव तो आई है, अब तो उसमें फाइनली है, अनाउंस होने की बात है, कब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। और इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है एक मोटा मोटा अंदाजा है कि ये 13-14 में हो जाएगा। और फिर कोई समय नहीं रहता, फिर तो 20 दिन के समय पे कई फेजेज हैं, यूपी में कई चलते हैं, बड़ा बिहार स्टेट है, महाराष्ट्र है, हमारे यहाँ तो शायद एक फेज में ही हो जाए। मेरा अपना अंदाजा है कि मोदी साहब का ग्राफ पहले से बड़ा है और इस बार पहले दोनों से बढ़ के सीट आएगी, क्योंकि राम मंदिर का एक अलग असर है जो पहले दो में नहीं था। तीसरा, ये जो आपका एक 5 वर्ड की जो टॉप इकॉनमी है, उसमें आना भी आखिर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस बात को समझते हैं, एजुकेटेड लोगों में इसका बहुत असर है। तीसरा ये कि इंटरनेशनली बहुत इमेज बना है सरकार का, इंडिया का रुतबा बढ़ा है, तो इन सब बातों से लोगों में एक मैच होता था। जैसे पीछे G20 का सम्मेलन था, हिंदुस्तान ऑर्गेनाइज करें, सारी वर्ल्ड पावर्स आए, तो इन बातों का लोगों में असर है। फिर सबसे ज़्यादा जो है कि सामने आया लोग, जब लोग हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, हर जगह इसका असर आता है, पर जब सामने ऑल्टरनेट नहीं दिखे तो फिर लोग वापस वो पहले देखते हैं आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है, अगर है तो लोग सर उधर डाल देते हैं, पर जब वो नहीं हो तो फिर लोग पलट जाते हैं, फिर नहीं रहते हैं। तो यहाँ जो है इस वक्त अपोजिशन है ही नहीं, ऐसे हर जगह आपस के क्लैश हैं, कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। जब एक पार्टी में 10 चौधरी हों तो पार्टी का नुकसान होता है, क्योंकि आजकल अंदाजा भी पिछले चुनाव में राजस्थान, कर्नाटक और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अंदाजे सबके फेल हो गए, तो कोई ऐसा प्रेडिक्ट तो नहीं करा जा सकता, पर जो माहौल रिस्क को एनालाइज करके ये देखते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। पूरे इंडिया लेवल की बात की जाए तो क्या परफॉर्मेंस देखते हैं? एक आप टीवी पे लोगों पे देखते हैं, आपके सर्वे देखते हैं, तो सभी 350 से ऊपर बात करते हैं अकेले बीजेपी की। एनडीए की देखिए 50 सीट और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें दूसरी भी कई पार्टीज हैं, उनके अपने हैं, और बीजेडी है, वो भी अल्टीमेटली एनडीए का ही पार्ट रहेगा। दूसरी जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार हैं, आपका साउथ में भी कुछ पार्टीज हैं जो इनके साथ इन अलायंस चुनाव लड़ रही हैं, मेरा ये मानना बढ़ेगी। चर्चा था कि नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे, नीतीश कुमार मना करके कुछ दिन बाद पाला बदल गए, बीजेपी की तरफ आ गए। मेरा ये मानना है कि उसके बाद केजरीवाल भी, ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल में कहे कि हमें 3 सीट दोगी, दो दोगे तुमने लड़ना, तो उसका भी कांग्रेस से ठीक नहीं है। और अखिलेश ने करा है समझौता, पर मैं नहीं मानता कि अखिलेश इनके अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे, इनके लिए कंपेयर नहीं करेंगे, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं। जब राहुल गांधी बरेली छोड़ के चले गए, सोनिया गांधी ने लड़ने से इनकार कर दिया, और ये भी पहले ये था कि सोनिया गांधी जीती है रायबरेली लड़ेगी, प्रियंका गांधी उन्होंने भी मना कर दिया चुनाव लड़ने से। कल रात मैं टीवी पे देख रहा था, कर्नाटक के बहुत नेता लोकसभा से इनकार कर रहे हैं, ये राजस्थान में हालत है, कोई लड़ने को तैयार नहीं। ये स्थिति 1977 में आई थी कि कांग्रेस की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, वो हालात हो रहे हैं। वजह क्या है आखिर, क्यों कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है लोकसभा चुनाव से क्यों बच रही है? देखिए, लोग लीडरशिप के साथ रखते हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब जेपी मूवमेंट था, जेपी के साथ 1977 में एक आंधी चली थी। एक समय ऐसा आया था जब देवीलाल और वीपी सिंह की आंधी थी, ये 1989 में थी, तो सब पूरा नॉर्दर्न इंडिया बदल गया था। अब मोदी साहब का एक लोगों में अट्रैक्शन हो गया कि मोदी को राहुल गांधी, मतलब राजीव गांधी के बाद से फिर राहुल गांधी कभी इनका चला ही नहीं, तब से डाउनफॉल होता है कांग्रेस, आप 200 से फिर नीचे गिरती कांग्रेस आज 40 पे आ गई। आप सर विधानसभा का स्वाद आप ले चुके हैं, राज्यसभा सांसद आप रह चुके हैं, अब इलेक्शन नज़दीक है, आपका क्या स्टैंड है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा में ही दोबारा से जाएंगे? मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी जब भी कोई इस मामले में चर्चा करेगी, मुझे जैसा कहेगी मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूँगा, निश्चित है। अभी कोई ऐसी चर्चा हुई कि आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी है? देखिए, जब बताना होगा तो आप लोगों से टीवी पे कह दूंगा कि जी हमारा चर्चा होगा, ये कर रहा हूँ, ये पक्का है कि चुनाव लड़ूंगा, लोकसभा लड़ूँ या विधानसभा लड़ूँ, ये मुझे जो हाईकमान कहेगा।